सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज झारखंड व पाएं झारखंड की तमाम खबरें। मेदिनीनगर स्थित एलबीएस पब्लिक स्कूल में क्राफ्ट एंड साइंस एग्जीबिशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही विद्यालय के निदेशक सदन प्रसाद गुप्ता एवं सुधा गुप्ता, प्राचार्य एन के पाठक, उप प्राचार्य शेखर मेहता तथा कोऑर्डिनेटर अमित गुप्ता ने बतौर मुख्य अतिथि सांसद पलामू बीडी राम को बुके देकर इस दौरान सम्मानित किया। मौके पर छात्राओं ने स्वागत गान गाकर अतिथि का स्वागत किया। कार्यक्रम की शुरुआत सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम में जिला सांसद प्रतिनिधि विजय ओझा, जिला परिषद सदस्य प्रबोध सिंह, सांसद के निजी सचिव अलक दुबे, ईश्वरी पांडे, आनंद सिंह, जय दुबे सहित अन्य लोग उपस्थित थे। साइंस एग्जीबिशन के अवसर पर प्रदर्शनी के रूप में विद्यालय के विद्यार्थियों ने अपने सपनों एवं अपने प्रतिभा को कलाकृति के माध्यम से व्यक्त किया, जिसमें नए पद्धतियों के प्रयोग पर बल देते हुए वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर प्यूरिफाइंग, हाइड्रोलॉजिक ब्रिज, ऊर्जा के लिए सोलर सिस्टम का अधिकाधिक उपयोग, हाउडेंट हाउस, विभिन्न प्रोजेक्ट के माध्यमों से ग्रह एवं नक्षत्रों की स्थिति एवं कार्य, स्मार्ट सिटी, मैथ सिटी, शहर के व्यस्तम क्षेत्र को जाम से निजात देने के लिए ट्रैफिक व्यवस्था, हवाई अड्डा का प्रारूप, आकर्षक गेम इत्यादि का प्रदर्शन सह डेमोन्स्ट्रेशन किया। मौके पर बतौर मुख्य अतिथि बीडी राम ने विद्यालय परिवार की सराहना करते हुए कहा कि वे अपने पाठ्यक्रम को दैनिक जीवन के घटनाओं से जोड़कर अध्ययन करें। अभिभावकों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बच्चों को तनाव मुक्त वातावरण देने का प्रयास करें। वहीं विद्यालय के निदेशक सुधा गुप्ता ने कहा कि परिवार, समाज, राष्ट्र इत्यादि का शुद्धिकरण करने की जिम्मेवारी न सिर्फ अभिभावकों की है, बल्कि दूसरा दायित्व छात्रों को भी है। छात्रों को चाहिए कि एक निश्चय लक्ष्य की प्राप्ति के लिए खुद को समर्पित करें। वहीं विद्यालय के प्राचार्य एन के पाठक ने कहा कि विद्यालय के बच्चों के अंदर अनेक प्रकार की प्रतिभाएं छुपी होती है, जिसके प्रस्तुतीकरण के लिए उन्हें मौका दिया जाना चाहिए और एलबीएस पब्लिक स्कूल विद्यार्थियों की रुचि एवं प्रतिभा एवं क्षमता के अनुरूप उनका सर्वांगीण विकास करने को दृढ़ संकल्पित है। प्रदर्शनी के बाद साइंस एग्जीबिशन में आर्ट एंड क्राफ्ट में प्री नर्सरी एवं केजी सहित कक्षा 6 तक के बच्चों द्वारा बेहतर प्रदर्शन में सभी विद्यार्थी सराहना के पात्र रहे। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं के अलावा काफी संख्या में अभिभावक भी उपस्थित थे। आज हमारे स्कूल एलबीएस पब्लिक स्कूल में विज्ञान कला प्रदर्शनी हो रहा है और इसमें हमारे चीफ गेस्ट विष्णु दयाल राम आए हैं और इसमें छोटे छोटे बच्चे, नर्सरी से 10 तक के बच्चे क्राफ्ट एग्जीबिशन लगाए हैं, क्राफ्ट किए हैं, और बड़े बच्चे जो हैं साइंस एग्जीबिशन लगाए हैं जिसमें तरह तरह के साइंस का चीज़ दिखाया गया है। हमारे स्कूल में आज एनिमल डे मनाया जा रहा है, एनिमल डे कम फेट। यहाँ खाने पीने की अच्छी व्यवस्था है, गार्जियन आ रहे हैं, जा रहे हैं और बच्चों का क्राफ्ट जो इतने मेहनत से बनाया है वो देख रहे हैं, उसका आनंद ले रहे हैं, साइंस एग्जीबिशन का लुफ्त ले रहे हैं, साथ ही खाने पीने का लुफ्त ले रहे हैं। अभी हमारा एलबीएस स्कूल जो है इसका हमारा नया ब्रांच खुला है शाहपुर में और उसका नाम रखा गया है एलबीएस इंटरनेशनल स्कूल। ये हमारा दो स्कूल है, हम लोग पढ़ाई पे विशेष ध्यान दे रहे हैं लेकिन पढ़ाई के साथ साथ बच्चों की चहुमुखी विकास के लिए हम लोग हर प्रयत्न कर रहे हैं। हमारे स्कूल का 10 का सीबीएसई का रिजल्ट हमेशा ही 100% होता है और 95% से ऊपर हमारा सीबीएसई का रिजल्ट जाता है। हमारे स्कूल को अभी तक 27 साल हो चुके हैं, हम लोग 25वां सालगिरह सिल्वर जुबली मना चुके हैं, ये हमारा 28वां साल है स्कूल का और हमेशा ये स्कूल आगे बढ़ता रहा है। हमारे स्कूल के बच्चे देश में, विदेश में सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, हर चीज में इन्वॉल्व है और हर क्षेत्र में हमारे बच्चे हैं।
हमें बहुत गर्व होता है कि हमारे स्कूल के बच्चे यहाँ से विदेश तक जा चुके हैं, और हमारा हमेशा से ये रहा है कि हम निम्न तबके के बच्चे को कम खर्च में अच्छी शिक्षा दे ताकि उनका अच्छा विकास हो। VIPs के बच्चे बड़े बड़े स्कूल में पढ़ लेते हैं, लेकिन हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी ये है कि हम निम्न तबके के बच्चों को वो शिक्षा दे जो बड़े बड़े स्कूलों में VIPs के बच्चों को मिलता है, और इस चीज़ में हम बहुत हद तक सफल हैं।